आज हम बना रहे हैं एग वेजिटेबल राइस, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप ऑयल और दो अंडे जर्दी के साथ। अंडे हमने शामिल कर दिया है ऑयल के अंदर। अंडे को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ हमने पहले से काट के रखी थी, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और मटर बॉईल करके रखे थे। गाजर और शिमला मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है इसलिए नरम हो जाए। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। अंडे को पीसेस में काट लें। आधा टीस्पून नमक, एक टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे इसके, आधा टीस्पून चाइना सॉल्ट, हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है एग वेजिटेबल राइस। थोड़ा सिरका ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून। इसकी शाइनिंग सब्ज़ी की बरकरार रहती है सिरके के साथ और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इसके सिरके के साथ, ख़ास तौर जब आप टॉस वाले फ्राइड राइस या राइस बना रहे हो तो उसके अंदर ये लाजमी ऐड करें। बकाया बची हुई सब्ज़ियाँ, मटर और बंद गोभी, ये नरम होते हैं तो इसके लिए बाद में हमने इसके ऐड किया है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने सब्ज़ियों की क्यूब कटाई की है, ये बहुत ही प्यारी लगती है, आप चाहे तो लच्छेदार भी कर सकते हैं। क्यूब कटाई बहुत ही प्यारी लगती है कटाई। खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। अब हम इसे चावल ऐड करेंगे जो हमने पहले से बॉईल करके रखे थे। चावल हमने लिया है कच्ची कैनात, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं कच्ची कैनात। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। क्या बात है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब सोया सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसके साथ। सोया सॉस की खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा होता है चाइनीज़ खाने में ख़ास तौर। तो कैसी लगी है हमारी रेसिपी हमें बताइए कमेंट्स में। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और एग वेजिटेबल फ्राइड राइस कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें बताएं।